भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को सिर्फ बर्बाद किया है। आज छत्तीसगढ़ में घोटाला, भ्रष्टाचार, अपराध, महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का ATM बना दिया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के MSP का पूरा पैसा केंद्र की मोदी सरकार देती है, लेकिन भूपेश सरकार कुछ पैसे देकर सिर्फ क्रेडिट चोरी करने का काम करती है। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का पूरा मन बना लिया है। इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। भाजपा ही छत्तीसगढ़ की जनता का सपना साकार करेगी। भाजपा ही भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और महिलाओं को सुरक्षा व किसानों को समृद्ध बनाने का काम करेगी। हम छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाना चाहते हैं, माताओं बहनों को सुरक्षित करना चाहते हैं, प्रदेश में कानून का राज हो, छत्तीसगढ़ के हरेक व्यक्ति के सपनों को साकार करने वाली सरकार हो, छत्तीसगढ़ के गांव शहरों का सुव्यवस्थित विकास करने वाली सरकार बने, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को उनके सपने साकार करने का समान अवसर मिले, उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार हो, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया हो, माताओं बहनों की सुरक्षा हो, लोग खुशहाली से जी सके, लोग चैन से जी सके, ये तमाम आपके मुद्दे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक है। आज धान की सुव्यवस्थित खरीदी की जो व्यवस्था बनी है उसे बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पर आज किसान को जो कीमत मिल रही है कांग्रेस की सरकार कितना देती है? कुल 600 रुपए प्रति क्विंटल, 2200 रुपए प्रति क्विंटल नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है, और 600 रुपए देकर आप कितना लूट रहे हैं किसानों को, मैं हिसाब बताता हूं आपको। सबसे पहले आपने रकबे काटे किसानों के, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, अरे भाई मेढ़ के एरिया को काटा आपने रकबे को। बिना मेढ़ के खेत हो सकता है? बिना मेढ़ के धान की खेती हो सकती है? मेढ़ के नाम पर रकबे काटे, आज तक बारदाने का पैसा नहीं मिला किसानों को, बारदाना उपलब्ध नहीं करा पाई थी ये सरकार, फिर किस्तों में पैसा दिया आप, चौथे किस्त में कटौती की, वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर मजबूर किया, किसानों को महंगी कीमत पर फर्टिलाइजर खरीदने पर मजबूर किया, फिर आपने 4.5 साल तक किसानों को ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया, पैसा जमा करके किसान इंतजार करते रहे। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज छत्तीसगढ़ की जनता तैयार बैठी है। राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली, जन विरोधी, विकास विरोधी भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। इस सरकार ने हर वर्ग को ठगा है, धोखा दिया है, और इसलिए दोबारा छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के बहकावे में, भुलावे में, उनके दावों पे नहीं आने वाली है, उनके वादों पर नहीं आने वाली है। कमल का बटन दबाएंगे छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता बनाएगी। देखिए, 4.5 साल में भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर दी है। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, अपराध का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया है, माफियाओं का गढ़ बना दिया है, विकास अवरुद्ध कर दिया है, हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम किया है। फिर से सरकार बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने और धोखा देने के लिए ये बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। गांव, गरीब, किसान के साथ अन्याय किया इन्होंने। 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया। महिला स्व सहायता समूह के बहनों को बेरोजगार किया। PSC का घोटाला, लगातार घोटाले दर घोटाले करके छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों से खिलवाड़ करने का काम किया, उनके सपनों को तोड़ने का काम किया।
छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटा, छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बना दिया।